नमस्कार दोस्तों, आपका GKT20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भाग 11 के कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 201, मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना कौन सी है? ए ग्राम्य योजना, बी शक्ति योजना, सी सहारा योजना या डी रफ्तार योजना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्राम्य योजना। प्रश्न क्रमांक 202, मध्य प्रदेश में सिंहस्थ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए महेश्वर, बी उज्जैन, सी पंचमढ़ी या डी चित्रकूट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 203, मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की? ए 2001, बी 2002, सी 2003 या डी 2005। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सन 2003 में। प्रश्न क्रमांक 204, मध्य प्रदेश की कोण जनजाति किस भाषा परिवार की है? ए कोलिरियन, बी ऑस्ट्रेलियन, सी विलतनामियन या डी द्रविडियन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी द्रविडियन। प्रश्न क्रमांक 205, मध्य प्रदेश में दिल्ली का दरवाजा कहाँ स्थित है? ए अमरकंटक, बी पंचमढ़ी, सी मांडू या डी ओरछा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मांडू। प्रश्न क्रमांक 206, मध्य प्रदेश की वाहन शाखा से संबंध कर्मचारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ए सागर, बी रीवा, सी इंदौर या डी खंडवा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रीवा। प्रश्न क्रमांक 207, मध्य प्रदेश विधानसभा के भवन का वास्तुकार कौन है? ए चार्ल्स कोरिया, बी अशोक वाजपेयी, सी लारका बुजियर या डी लुटिनंस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया। प्रश्न क्रमांक 208, मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ए 1941, बी 1955, सी 1961 या डी 1964। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1941 में। प्रश्न क्रमांक 209, मध्य प्रदेश से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? ए 12, बी 11, सी 20 या डी 17। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20। प्रश्न क्रमांक 210, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT की स्थापना की गई? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर या डी जबलपुर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदौर में। प्रश्न क्रमांक 211, मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ है? ए भोपाल में, बी इंदौर में, सी नीमच में या डी ग्वालियर में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंदौर में। प्रश्न क्रमांक 212, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? ए बैतूल, बी छतरपुर, सी बेड़न या डी इटारसी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इटारसी में। प्रश्न क्रमांक 213, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है? ए बालाघाट, बी छिंदवाड़ा, सी बैतूल या डी झाबुआ। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बालाघाट में। प्रश्न क्रमांक 214, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ए पांचवा, बी छठवा, सी सातवा या डी आठवा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छठवा। प्रश्न क्रमांक 215, मध्य प्रदेश की किस परियोजना को संजय सरोवर भी कहा जाता है? ए इंदिरा सागर, बी अपर वेनगंगा, सी बाण सागर या डी बावथनड़ी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपर वेनगंगा। प्रश्न क्रमांक 216, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? ए मंदसौर, बी शिवपुरी, सी सागर या डी बिलासपुर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंदसौर जिले में। प्रश्न क्रमांक 217, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बहुल्य कहाँ है? ए मालवा का पठार, बी छत्तीसगढ़, सी नर्मदा घाटी या डी बुंदेलखंड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। प्रश्न क्रमांक 218, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? ए नर्मदा, बी सोन, सी चंबल या डी काली सिंध। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोन नदी को। प्रश्न क्रमांक 219, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? ए 1985, बी 1952, सी 2005 या डी 1972 में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सन 1952 में। प्रश्न क्रमांक 220, मध्य प्रदेश में निम्न में से कहाँ कंटीले वन पाए जाते हैं? ए ग्वालियर, बी श्योपुर, सी मंडला या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।